में देश के सैनिक हैं जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन तक रक्षा सूत्र पहुंचाने के लिए। वो लोग तो बाहर लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे देश के अंदर भी लड़ रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारी कुरूतियां, उस दिन में आया था आप लोगों को समझाया था कि वो लोग तो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़ना चाह रहे हैं या लड़ रहे हैं, लेकिन उनको संबल कौन देगा, उनको साथ कौन देगा? उनके साथ के लिए हमारी बहनें हैं। इन्हीं की इनकी कुछ बहनें रक्षाबंधन के पहले छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे आर्मी वाले हैं वहां तक जा रही हैं और उन लोगों को भी रक्षा सूत्र बांध रही हैं। मैं ये नहीं बोल रहा आप में से भी कोई जाए, आप लोगों का फ्यूचर है, वो लोग तो जा ही नहीं, लेकिन कम से कम अपनी विशेष उनके साथ चली जाए। और आप लोगों के लिए एक और अच्छी बात है, सुन के आपको भी अच्छा लगेगा, एक रक्षा सूत्र के माध्यम से कहते हैं कि एक बहन के, पहले तो एक बहुत बड़ा परिवार होता था कि एक बहन के हो सकता है चार भाई हो, पांच भाई हो, लेकिन अब से जब से न्यूक्लियर फैमिली हुई है तो एक भाई, एक बहन का एक ही भाई होता है, ज्यादा बहुत ज्यादा हुआ तो दो हो जाते हैं, कभी कोई धर्म के बना लिए तो तीन या चार हो जाते हैं, लेकिन ये एक भाई या दो भाई हर समय तो उसकी मदद कर ही नहीं सकते। एक को छोड़ के बाकी हम इतने सारे भाई बना लें कि हम जहां भी रहें अगर हमारे साथ कुछ गलत हो, ये मैं फीमेल के लिए बात कर रहा हूँ, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो तो हो सकता है मेरा भाई जो है राकेश वो उस समय खड़ा ना हो, लेकिन उस भाई जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं, भले सुरेश हो, महेश हो, दिनेश हो या कमलेश हो, वो आपके खड़े हो। समझ रहे मेरी बात? जब हम व्हाट्सएप या फेसबुक पर इस प्रकार के वीडियो देखते हैं तो आपने देखा होगा एक रास्ते में लड़की जा रही है, चार लोग पीछे से वो दिख रहे हैं, चार लोग उसको छेड़ते हैं, आखिर में मालूम चलता है उसमें से एक उसका भाई है, तब हम पे क्या गुजरते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि एक लड़की को कोई लड़का छेड़ रहा है या दो तीन लड़के छेड़ रहे हैं, एक दूसरा लड़का अपोज करता है, उसको बचाता है, तो कहते तेरी बहन है क्या? तो कहते हाँ ये सब मेरी बहन। तो आज हमारे अंदर वही जज्बा जगाने के लिए पूरी टीम है। दो मिनट ये अपने वक्तव्य से आप लोगों को बताएंगे कि क्या चाह रहे हैं, और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक को अगर हम छोड़ दें, क्यों भाई हो सही है ना, एक को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सबकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। जरूरी नहीं है कि वो लड़की को अगर कोई लड़का छेड़ रहा हो तभी हम हमला करें या तभी हम बोले, हो सकता है हमारी बहन को कोई समस्या हो, हम उस समस्या